हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको वाइंडिंग करने के बाद वायर कनेक्शन निकालना बताऊंगा, जो कि हम चार लीड में निकालते हैं। बहुत से दोस्त तीन लीड में भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं चार लीड में निकालता हूं, दो रेड दो ब्लैक में। तो सबसे पहले हमें ये स्लीव डाल ले लेंगे वायर के अंदर। ये डाल के इसको नीचे ऐसे फंसा देना है, फिर दूसरी वायर में डाल देनी है, फिर इसमें डाल देनी है। ये डालने के बाद हमें दो रेड वायर लेनी है, इतने लंबे लंबे टूक, ये दोनों तरफ से छील लेने हैं। उसके बाद हम माचिस का प्रयोग करें चाहे लाइटर का, इन वायरों को हमें थोड़ा थोड़ा जला लेना है ताकि इसके ऊपर की वायर नहीं सट जाए। एल्युमिनियम के वायर में बहुत परेशानी होती है, वो ब्लेड की सहायता से हमें छीलना पड़ता है, लेकिन कॉपर का फिर भी हम वार्निश जला कर सकते हैं। ऐसे जलाने के बाद हमें जो ये रेड वायर छिल्ला है, ये रनिंग वाली वायर पे लगा देना है। वायर को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लपेटना है ताकि हमारा वायर कभी टूट जाए तो हम खोल कर दोबारा कनेक्शन कर सकें। फिर ये रेड वायर दूसरा लेना है, इसको भी आगे से पीछे से दोनों तरफ से छील लेना है, जो हमारा रनिंग का दूसरी कॉइल का वायर है उसको लपेट देना है। लपेटने के बाद हमें ब्लैक वायर लेने हैं, उसको भी आगे और पीछे से छील लेना है। स्टार्टिंग की कॉइल के जो दो वायर निकले हैं उसमें लपेट देने हैं। उसके बाद फिर एक ब्लैक वायर का टुक लेना है, दोनों सिरों को हमें छील लेना है। छीलने के बाद उसको भी ऐसे लपेट देना है। उसके बाद ये स्लीव लेनी है मोटी वाली, आपने वायर में ऐसे डाल लेनी है, चार स्लीव काट लेनी है। ये ऐसे डालने के बाद आपको एक वायर लेना है, ऐसा रेड वायर, और चिमटी लेनी है, ऊपर से वायर को यहाँ दिखा रहे, ऊपर से यहाँ डाल देना है, वायर को ऐसे खींच लेना है नीचे की तरफ। उसके बाद में
सभी वायरों को जो हमने वायर छील लिए सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। ऐसे इकट्ठा करने के बाद एक साथ ऐसे मिला देना है। उसके बाद जो वायर हमें ऊपर से डाल दिया उसमें ऐसे बल लगा लेना है। उसके बाद आराम आराम से हमें नीचे डालनी है, ऊपर से वायर को खींचना है। ऐसे खींचते खींचते हमारा वायर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, फिर हमें ये वायर सभी अलग अलग कर लेनी है। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमें ऐसे मैच करके एक एक वायर आगे खींच लेना है। ऐसे खींचने के बाद इसको ऐसे दबा देते हैं। कोई टाई बेल्ट, मैं ये टाई बेल्ट यूज़ करता हूँ। टाई बेल्ट ऐसे लगानी है आपने। ऐसे लगाने के बाद टाई बेल्ट को टाइट खींच देना है, वायर को अच्छी तरह नीचे चिपका देना है। फिर टाई बेल्ट को ऐसे काट देना है कटर से। फिर ऊपर से वायर के कुछ हिस्सों को काट के वायर को इस तरह से दोबारा छील देना है। हमारा कनेक्शन ओके है, दूसरा भी ओके है, बॉडी अर्थ नहीं है। ये हमारी वार्निश की बोतल है, मैंने इसमें नट यूज़ किया हुआ है ताकि वार्निश के हवा ना लगे, हवा लगते ये सूख जाती है। उसके बाद ऐसे करना है आपको, सीधा वार्निश तारों के ऊपर घेर देना है। घेरने के बाद उल्टी साइड किया, उल्टी साइड में भी घेर देना है। अब इसे सूखने के लिए आधे से एक घंटे रख देना है। आप देख सकते हो ये वार्निश हो गया कनेक्शन। इस तरह से आप फैन के कनेक्शन कर सकते हो स्टेटर को।